पर दिखाई दे रहा यस सर, दिखाई दे रहा है। यस ये तीसरा यूनिट शुरू हो गया है। पहला इंट्रोडक्शन था, फिर फिजिकल हेल्थ, अब ये साइकोलॉजिकल वेलबींग या मेंटल हेल्थ, उस पर हम बात आज करेंगे। आज ये छोटा सा ही टॉपिक है। तो मन क्या है, कोई बताना चाहेगा, कोई स्टूडेंट? सर, क्या पूछ रहे मन मन क्या है? क्या है मन? कोई नहीं, सर? सर, मन जो होता है वो हेड होता है, जो पांच कर्म इंद्रिया होती है और पांच ज्ञान इंद्रिया होती है, उसके साथ मन भी होता है। मन उन सबको कंट्रोल करता है। चलो ये तुमने नई बात बताई। 11वीं इंद्रिया के रूप में 10 इंद्रिया तो हो गई, इन 11वीं इंद्रिया के रूप में मन को बताया। और कोई? सर, मनुष्य के इसमें एक ऐसी चीज है जिसके कारण वो किसी भी काम को करता है। अगर मन करता है कि मुझे पढ़ना है आज दिन भर, तो फिर वो पढ़ता है। खाना है तो फिर खाता है। मतलब मन उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि मुझे आज ये करना है। ओके, और कोई? चलो तो हम देखते हैं गुरुदेव ने क्या कहा है। अखंड ज्योति 1966 में ये आया है। मनुष्य के अंतःकरण का निर्माण चार वृत्तियों से मिलकर हुआ है। एक तो जो आप योग के स्टूडेंट्स चित्त वृत्तियां पढ़ते हैं, और इसको भी वृत्ति के रूप में लिया गया है कि चार वृत्तियां शरीर के अंदर होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। तो अंतःकरण चतुष्टय में सबसे पहला मन है। मन है वो संकल्प विकल्प करता है, जो कल्पना है वगैरह है, आगे भी आएगा, वो मन करता है, वो मन में होता है। फिर ये बुद्धि है, वो उससे ऊपर की चीज है, वो निर्णय लेती है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो बुद्धि निर्णय लेती है। चित्त एक स्टोरेज की तरह है जो स्मृति तथा संस्कारों को ग्रहण करता है और बनाए रखता है, हमारे अंदर वो स्टोर होता है। ऐसा भी कहा गया है, दावा किया गया है कि जिसको हम चित्रगुप्त बोलते हैं, वो एक तरह से हमारे मस्तिष्क के अंदर होने वाले बार कोड्स हैं। जो जो हम कर्म करते जाते हैं, जो भी हम आदतें बनाते रहते हैं, उसको बारकोड की तरह वो ऐसे चिन्ह बन जाते हैं, और वो चिन्ह मस्तिष्क में जमा होते हैं एक तरह के, जिसे हम कह सकते हैं, जैसे मोम में अगर दबा दिया जाए मोम के अंदर, तो एक इमेज जैसा बन जाएगा, एक आकृति जैसा बन जाएगा। जिस चीज को भी दबा दिया जाएगा, उसके तरह का वो आकृति बन जाएगी मोम में। तो ये स्मृति है। फिर उसके बाद है अहंकार। अहंकार मनुष्य को आत्मिक न बनने देकर शरीर भाव बनाए रखता है, कि भाई हम आत्मा है बेसिकली, लेकिन वो उस पर हमारा फोकस नहीं जाएगा और हम ज्यादा शरीर के बारे में चिंता करेंगे, तो वो अहंकार के कारण ऐसा होता है। तो ये चार वृत्तियां समझ में आई किसी को? कोई चार वृत्तियों में प्रश्न? अंतःकरण चतुष्टय,
अब ये कहते हैं आगे कि इन वृत्तियों के अशुद्ध रहने पर अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है, इन वृत्तियों को सात्विक बनाना ही अंतःकरण को शुद्ध करना माना जाएगा। वैसे मन में तीनों गुण रहते हैं, सत्व, रज और तम। लेकिन सत्व गुण है वो प्राकृतिक गुण है, तो वो सत्व गुण ज्यादा रहना चाहिए, रज और तम गुण का प्रमाण थोड़ा कम होना चाहिए। एकदम तो जीरो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कम हो जाता है तो वो सत्व बढ़ जाता है और रज और तम कम हो जाता है, तो व्यक्ति अच्छे काम करता है, उसका मन अच्छा शुद्ध हो जाता है। फिर आगे लिखा है, वृत्तियों को शुद्ध करने का प्रयत्न करने से पूर्व उनकी अशुद्धता के लक्षण जान लेना है। हम कैसे जाने कि हमारा मन शुद्ध है कि अशुद्ध है, हम अपना मूल्यांकन कैसे करें, तो वो बताया है, अशुद्ध काम संकल्पम शुद्ध काम विवर्जितम। मन में जब तमोगुण पूर्ण स्वार्थ एवं काम पूर्ण संकल्प विकल्प होते रहते हैं, काम पूर्ण संकल्प विकल्प होते रहते हैं, समझना चाहिए कि मनोवृत्ति अशुद्ध है। तमस, या तो तमस के लक्षण दिखेंगे, आलस वगैरह बहुत ज्यादा दिखेगी, या किसी को नुकसान पहुंचाने का, गुस्सा करने का, इस तरह का भाव आएगा, और या फिर बहुत सारी इच्छाएं, ये करना है वो करना है, ऐसा करके मन बिल्कुल शांत नहीं रह पाएगा, भागता रहेगा, तो वो भी रजोगुण के कारण हो रहा है। तो तम और रजोगुण के अगर लक्षण दिखते हैं तो समझना चाहिए कि मनोवृत्ति अशुद्ध है। इसका मोटा सा एक लक्षण यह भी है कि जब मन निराश, निरुत्साह अथवा क्षुब्ध रहे, समझना चाहिए कि वो अशुद्ध है। वास्तविक जो मन का स्वरूप है वो एकदम प्रसन्न रहता है, तो प्रसन्न है तो मानो कि वो शुद्ध है, लेकिन प्रसन्नता गायब हो जाती है कभी भी, स्ट्रेस के कारण गायब हो जाती है, एंजाइटी के कारण गायब हो जाती है, तो वो प्रसन्नता गायब हो गई, इसका मतलब मन अपना अशुद्ध हो गया। मन की शुद्धता का प्रमुख लक्षण है निष्कामता एवं प्रसाद, मतलब प्रसन्नता। निष्काम, कोई स्वार्थ नहीं रहता है, कोई कामनाएं नहीं रह जाती है, कामना मतलब कि ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह का बहुत ज्यादा मन चंचल नहीं होता है, विषयों के पीछे भागता नहीं है और प्रसन्न रहता है। कर्मों की सफलता असफलता पर मन का समान रूप से प्रसन्न बना रहना उसकी शुद्धता का प्रमुख लक्षण है। चाहे सफलता मिले, चाहे असफलता मिले, चाहे दुख मिले, चाहे सुख मिले, अगर हम प्रसन्न बने रहते हैं तो मानो कि हमारा मन एकदम शुद्ध है। अधिक असंगत अथवा असात्विक कामनाएं करने से मन निर्बल एवं मलिन हो जाता है। मन में अगर वही कामनाएं हम करते रहेंगे, बहुत ज्यादा कामनाएं करेंगे, या असंगत जो हमारे आत्मिक प्रगति से संगत नहीं बैठता है, या असात्विक है जैसे राजसी है या तामसी है, तो ऐसी कामनाएं करते रहेंगे करते रहेंगे, तो वो मलिन होता जाएगा, ज्यादा अशुद्ध होता जाएगा। संतोष न रहने से सदा क्षुब्ध चंचल और दुखी रहता है। संतोष नहीं होगा तो मन दुखी रहेगा। मन की प्रसन्नता अपनी स्थिति के अनुसार शुभ संकल्प एवं निष्काम भाव से कर्म करने से ही सुरक्षित रह सकती है। क्योंकि हमारा जो काम है वो करे, पढ़ने का काम है वो पढ़े, तो वो निष्काम कर्म हुआ, तो उससे आप मन की प्रसन्नता रहेगी, उससे मन शुद्ध रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो सब इच्छाएं होती है, ये खाना है वो खाना है, ये करना है वो करना है, इस तरह के कारण मन अशुद्ध होने लग जाता है। तो थोड़ा सा तो होता ही है, एकदम शुद्ध होना तो बहुत मुश्किल है, पर अगर आपको लगे कि ये बहुत हो रहा है, बेचैनी बहुत हो रही है, नहीं कुछ चटपटा नहीं खाए तब तक चैन नहीं पड़ रहा है, कुछ ऐसा कुछ काम ना कर लें जिससे कि मजा आ जाए, तब तक वो एकदम बेचैन रहता है, तो मजा है, आनंद है, संतोष है, प्रसन्नता है, वो अपने आप होनी चाहिए। उसके लिए पदार्थों की, व्यक्ति की या परिस्थिति की जरूरत नहीं है। जो परिस्थिति है, जो व्यक्ति है, जो स्थिति में हम बैठे हैं, उसमें हम संतोष पूर्वक प्रसन्न रह सकते हैं, वो एक कला है। तो अगर इस तरह का हम कर पाते हैं तो मानो हमारा मन शुद्ध है, और नहीं कर पाते हैं तो मानो कि हमारा मन अशुद्ध है। क्लियर सबको? यस सर। फिर है मन का कार्य। मन का काम है कल्पनाएं करना। अंतर्वर्ती इच्छाओं एवं अनुभूतों में जहाँ सरसता की अनुभूति का उसे ज्ञान है, उसी परिधि में प्राय मन की उड़ाने उठती है। आकर्षण के अतिरिक्त दूसरा पक्ष है भय।
वहीं से आत्मरक्षा भी अग्रगमन और रसास्वाद की तरह प्रबोधपातक। देखो ये थोड़े से अगर कठिन शब्द, और जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं उनका लगेगा कि क्या कैसे हम इंग्लिश करेंगे, तो वो सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझ लो एक दो, और दूसरा अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। यहाँ मैंने अखंड ज्योति 1978 का ये जैसे उदाहरण दिया है, तो आप किसी और भी रेफरेंस को ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सर्च करोगे गूगल में साइट AWGP.org पर, तो वो सारा कुछ जो है वो अपना गुरुदेव से संबंधित ही मिलेगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि यही चीज को रटना है, इसी चीज को लिखना है आपको, है ना। मन से संबंधित और भी चीजें जो गुरुदेव ने बताई है अलग अलग वाणी में, अलग अलग किताबों में, उसमें से किसी को भी आप ले सकते हो। सुख की उपलब्धि और दुख की निवृत्ति एक दूसरे की पूरक है। मन इन दोनों के ज्वारपाटों में उछलता रहता है। कल्पना के वह अनेक पक्ष और दृश्य उपस्थित करता है जिससे सहारे चेतना की अगली परत बुद्धि को उचित अनुचित का, संभव असंभव का निर्णय करने में सुविधा रहे। वो बुद्धि के लिए सुविधा कर देता है, कल्पनाएं करी है उसके आधार पर फिर अब बुद्धि है वो निर्णय लेगी। इन दोनों उभारों के बीच एक विनोदी मनमोजी पक्ष भी है जिसे निरर्थक अस्त व्यस्त कह सकते हैं। कई बार अप्रासंगिक विचार भी उठते रहते हैं, जो उनका भी कहीं ना कहीं किसी पूर्व स्मृति से संबंध होता है। सर्वथा नवीन एवं अपरिचित प्रसंग के विचार कदाचित ही कभी आते हैं, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन रहता ही है। वे अपनी पूर्व ज्ञान भूमिका में ही विचरण करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पीछे बना होगा उससे संबंधित विचार ज्यादा आते हैं। कल्पना के आधार पर किसी तथ्य के मानसिक चित्र तैयार किया जाता है, जिस प्रकार किसी इमारत के लिए कागजी नक्शे या अच्छी तस्वीर के लिए पेंसिल स्केच तैयार किया जाता है, उसी प्रकार कल्पना की तुलिका अभीष्ट प्रयोजन का एक अनगढ़ चित्र तैयार करती है। मन है वो एक तरह की इमेज बनाएगा, मन में कहते हैं ना इमेज के रूप में सब विचार आते हैं, इमेज बन जाती है सब, तो वो चित्र कल्पना करता है मन। मन का यही काम है, वो तरह तरह की उड़ाने उड़ता रहता है, आकांक्षाओं के अनुरूप मानस पटल पर तस्वीर बनाता रहता है। अगला काम विवेक बुद्धि का है, वह इसमें से उपयुक्त अनुपयुक्त की काट छाट करती है। अब देखो उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, फिल्म खींचते समय कैमरा द्वारा ढेरों फिल्में खींचती है, डायरेक्टर उसमें से उपयुक्त अनुपयुक्त की काट छाट करता है ना, बेकार भाग को निकाल कर फेंक देता है और उपयोगी अंशों को इधर से उधर जोड़ काट करके उसका कारगर ढांचा खड़ा करता है। तो ये पिक्चर का उदाहरण याद रखने लायक है कि बहुत सारा शूटिंग करने के बाद उसमें से कुछ ही चीजों को रखा जाएगा, सब चीजों को नहीं रखा जाएगा, तो बुद्धि वो निर्णय करेगी कि मन ने बहुत सारी कल्पनाएं की, बहुत सारे विचार किए, उसमें से क्या निर्णय लेना है। बच्चे कुछ भी कहते, कुछ भी मांगते रहते हैं, बड़े उसमें काम की और बेकाम की बातों का अंतर करते हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए उसका निर्णय करते हैं। बुद्धि की कसौटी पर खरे खोटे की परख होती रहती है, कल्पना में से उपयोगी अंश छांट निकालना उसी का काम। तो मन और बुद्धि में अंतर है, मन है वो निम्न स्तर का है, वो कल्पनाएं करता है, और बुद्धि है वो निर्णय लेती है। तो कुछ कई लोग कहते हैं ना कि भाई मन को कंट्रोल करना है कैसे करें, तो कहते हैं उससे भी महत्वपूर्ण बुद्धि है, बुद्धि को कंट्रोल करो। बुद्धि अगर सन्मार्ग पर जाएगी तो मन अपने आप काबू में हो जाएगा, है ना। उसे निर्णय लेने में असुविधा हो रही है, वो निर्णय ठीक से ले नहीं पा रही है बुद्धि, तो बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए गायत्री मंत्र की हम प्रार्थना करते हैं। और भी तरीके हैं बुद्धि को सही दिशा में ले जाने के, उसको करना चाहिए। मन का कार्य में ही आगे है, मन का कार्य इच्छा करना भी है, चाहना कल्पना करना है। तरह तरह की वस्तुओं की इच्छाएं मन के द्वारा होती है, कल्पना करना इसका प्रधान गुण है, इसलिए क्षण में पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाता है, उसकी उड़ान बड़ी तेज है, मन की बराबर तीव्र गति से और कोई नहीं दौड़ सकता है। यह एक स्थान पर देर तक स्थिर नहीं रहता है। भोग भोगने का साधन तो इंद्रियां हैं, पर कारण मन है। जो इंद्रियों के साथ रिलेशन जो बताया था ना, तो उसमें ये बताया कि ये कारण मन है, इंद्रियां तो केवल साधन है। मन की इच्छा और प्रेरणा से ही इंद्रियां विविध प्रकार के भोगों के लिए संलग्न होती है। मन को 11वीं इंद्रिय भी कहा जाता है। यद्यपि वह अन्य इंद्रियों की भांति दिखाई नहीं देता, वो भी रसानुभूति में सबसे आगे है, सबका नेता है। यदि मन उदास हो, खिन्न हो, तो आकर्षक भोग भी नहीं सुहाते, और यदि मन की प्रेरणा प्रबल हो तो निर्मल इंद्रियां भी उत्तेजित होकर उधर लग जाती है। मन की इच्छाएं और कल्पनाएं यदि सन्मार्गगामी हो तो मनुष्य को आत्मकल्याण का मार्ग प्राप्त करने में देर नहीं लगती, और यदि वह कुमार्गगामी हो तो
पतन का गहरा गर्त समूह की उपस्थिति है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए गीताकार ने कहा है, मन एवं मनुष्य कारण बंध मोक्ष, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। वश में किया हुआ मन सबसे बड़ा मित्र है और असंस्कृत मन से बढ़कर मानव प्राणी का दूसरा कोई शत्रु नहीं। यही कारण है कि आत्मकल्याण की इच्छा करने वाले को मन को वश में करने की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो मन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हम आत्मस्वरूप है, लेकिन मन के कारण हमारी अज्ञानता में अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ है, इसलिए हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाते हैं। मन को शुद्ध करेंगे तो वो पर्दा हट जाएगा और ज्ञान का साक्षात्कार हो जाएगा। हम क्या है उस स्वरूप को हम महसूस कर पाएंगे। मन के प्रकार, अब ये भी एक नई चीज दी गई है। मन के प्रकार को शरीर और आत्मा के बीच की चेतना मन है। जैसे शरीर तो जड़ है, आत्मा है वो चेतन है, तो मन है वो दोनों के बीच का है। आत्मा के द्वारा उसको चेतना मिलती है, वास्तव में तो वो भी जड़ ही है, शरीर का ही एक भाग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम जिम्मेदार नहीं है, हमारा मन जिम्मेदार है। नहीं, हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम मन को कंट्रोल करते हैं। आत्मा है वो मन को कंट्रोल करती है। सुख और दुख का अनुभव भी आत्मा को होता है, लेकिन क्योंकि मन अशुद्ध था इसलिए दुख का अनुभव हुआ, तो वो भुगतना पड़ा आत्मा को, पर कारण था मन। और मन चंचल है, मन जड़ है, तो वो एक मशीन की तरह काम करेगा, इसलिए मशीन को कैसे चलाना वो अगर सीख लिया तो दिक्कत नहीं होगी। तो मशीन कहीं हमारे ऊपर ही हावी न हो जाए, हमें ही नुकसान कर दे, हमारे हाथ पैर कट जाए मशीन में, तो उसका कारण हम है कि हम मशीन को चलाना नहीं जानते। इसलिए मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण काम है मन को कंट्रोल करना सीखना। तो यहाँ लिखा हुआ है, साधकों की सुविधा के लिए मन को 3 भागों में बांटा जाता है। मन के पहले भाग का नाम प्रवृत्त मानस है। पहला है प्रवृत्त मानस, जो हम प्रवृत्ति करते हैं, जो पशु पक्षी आदि अविकसित जीवों और मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है। गुप्त मन और सुप्त मानस भी उसे कहते हैं। शरीर को स्वाभाविक और जीवंत बनाए रखना इसी के हाथ में। हमारी जानकारी के बिना भी शरीर का व्यापार अपने आप चलता रहता है। भोजन की पाचन क्रिया, रक्त का घूमना, क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, वीर्य का बनना, मल त्याग, श्वास प्रश्वास, पलके खुलना बंद होना आदि कार्य अपने आप होते रहते हैं। आदतें पड़ जाने का कार्य इसी मन के द्वारा होता है। यह मन देर में किसी बात को ग्रहण करता है, तो जिसे ग्रहण कर लेता है उसे आसानी से छोड़ता नहीं। हमारे पूर्वजों के अनुभव और हमारे भी अनुभव जो वास्तविक जीवन से उठकर इस अवस्था में अंत तक प्राप्त हुए, इसी में दिमाग है, सब कुछ मन में पड़ा हुआ है। मनुष्य एक अल्प बुद्धि साधारण प्राणी था। उस समय की ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध प्रवृत्ति, स्वार्थ, चिंता आदि साधारण वृत्तियां इसी के एक कोने में पड़ी रहती। पिछले अनेक जन्मों के नीच स्वभाव जिन्हें प्रबल प्रयत्नों द्वारा काटा नहीं गया है, इसी विभाग में इकट्ठे रहते हैं। एक अद्भुत अजायब घर है, जिसमें सभी तरह की चीजें जमा है। कुछ अच्छी और बहुमूल्य है, तो कुछ सड़ी गड़ी, भद्दी तथा भयानक भी है। जंगली मनुष्यों, पशुओं तथा दुष्टों में जो रोग, हिंसा, क्रूरता, आवेश, अधीरता आदि वृत्तियां होती है, वह भी सूक्ष्म रूप में इसमें जमा है। यह बात दूसरी है कि कहीं उच्च मन द्वारा पूरी तरह से वश में रखी जाती है, कहीं कम। राजस्व और तामसी लालसाएं इसी मन से संबंध रखती है। इंद्रियों के भोग, मन, क्रोध, भूख, मैथुन, इच्छा, निद्रा आदि प्रवृत्त मानस के रूप है। ये सबसे निम्न स्तर का मानस प्रवृत्त मानस इसको बोलते हैं। प्रवृत्त मानस से ऊपर दूसरा मन है, जिसे प्रबुद्ध मानस कहना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ते समय तुम मतलब ये मैंने मैं क्या हूं पुस्तक में से लिया है, तो इस पुस्तक के बारे में लिखते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ते समय तुम इसी मन का उपयोग कर रहे हो। इसका काम सोचना, विचारना, विवेचना करना, तुलना करना, कल्पना करना, तर्क तथा निर्णय आदि करना है। हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता, चतुरता, अनुभव, स्थिति का परीक्षण, ये सब प्रबुद्ध मन द्वारा होता है। याद रखो, जैसे प्रवृत्त मानस अहम नहीं है, उसी प्रकार प्रबुद्ध मानस भी वह नहीं है। कुछ देर विचार करके तुम इसी आसानी के साथ अहम से अलग कर सकते हो। इस छोटी सी पुस्तक में बुद्धि के गुण धर्मों का विवेचन नहीं हो सकता। जिन्हें इस विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करना हो, वो मनोविज्ञान के उत्तमोत्तम ग्रंथों का मनन करे। इस समय इतना काफी है कि तुम अनुभव कर लो कि प्रबुद्ध मन भी एक आच्छादन है, न कि अहम। अहम अलग है,
मन मतलब थोड़ा सा विचार वगैरह जो हम करते हैं, जो एकदम पास्विक हमारी जो वृत्तियां हैं उससे ऊपर उठकर एक बीच की स्थिति है, साधारण स्थिति, वो मन की, वो प्रबुद्ध मानस है। इससे ऊपर का भी एक मानस लास्ट, तीसरा, तीसरे सर्वोच्च मन का नाम अध्यात्म मानस है। इसका विकास अधिकांश लोगों में नहीं होता है, ये अध्यात्म मानस का विकास सब लोगों में नहीं होता है। मेरा विचार है कि तुम में यह कुछ कुछ विकसने लग गया है, क्योंकि इस पुस्तक को मन लगाकर पढ़ रहे हो और इसमें वर्णित विषय की ओर आकर्षित हो रहे हो। ये जो मैं क्या हूँ पुस्तक सबसे पहली पुस्तक थी गुरुदेव की लिखी हुई, तो इस पुस्तक के विषय में लिख रहे हैं कि अगर आप इस तरह के विषयों में आप इंटरेस्ट लेते हो, अगर ध्यान से सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ये अध्यात्म मानस विकसित हुआ है। मन के इस विभाग को हम लोग उच्चतम विभाग मानते हैं और आध्यात्मिकता, आत्म प्रेरणा, ईश्वर संदेश, प्रतिभा आदि के रूप में जानते हैं। उच्च भावनाएं मन के इसी भाग में उत्पन्न होकर चेतना में गति करती है। प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, न्याय, निष्ठा, उदारता, धर्म प्रवृत्ति, सत्य, पवित्रता, आत्मीयता आदि सब भावनाएं इसी मन से आती है। ईश्वरीय भक्ति इसी मन में उदय होती है। गूढ़ तत्वों का रहस्य इसी के द्वारा जाना जाता है। इस पाठ में जिस विशुद्ध अहम की अनुभूति के शिक्षण का हम प्रयत्न कर रहे हैं, वो इसी अध्यात्म मानस के चेतना क्षेत्र से प्राप्त हो सके। परंतु भूलिए मत, मन का यह सर्वोच्च भाग भी केवल उपकरण ही है, अहम यह भी नहीं। अहम तो तीनों से अलग ही चीज है, पर जो सबसे निम्न प्रकार का है प्रबुद्ध मानस है, उससे थोड़ा बीच में जो मनुष्य, साधारण मनुष्य का जो होता है वो प्रबुद्ध मानस है, और तीसरा जो अध्यात्म मानस, जो सामान्य स्तर से थोड़े साधक स्तर के लोग हैं या जो महान लोग हैं उन लोगों का जो विकसित मानस होता है वो अध्यात्म मानस। ये तीन प्रकार के मानस गुरुदेव ने बताए, मन के तीन। मन और आत्मा का ये जो एक्सरसाइज है जो बोलने का कहा गया है, जैसे भटका हुआ देवता जो गायत्री मंदिर में शीशे लगे हुए हैं वहां भी कुछ टेक्स्ट लिखी होती है उसको रिपीट करना होता है, इस तरह से इसको भी हम आईने के सामने अपने घर में ही रिपीट कर सकते हैं। मैं सत्ता हूँ, मन मेरे प्रकट होने का उपकरण मात्र है, मैं मन से भिन्न हूँ, उसकी सत्ता पर आश्रित नहीं हूँ, जैसा मन कहेगा ऐसा मुझे करना, ऐसा नहीं, मैं मन का सेवक नहीं शासक हूँ, मैं जो कहूंगा वो मन को करना पड़ेगा। मैं बुद्धि, स्वभाव, इच्छा और अन्य समस्त मानसिक उपकरणों को अपने से अलग कर सकता हूँ, तब जो कुछ शेष रहता है वो मैं हूँ। असल में मैं क्या हूँ? मैं न तो मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न ये इच्छाएं हैं, इन सबसे अलग जो है वो मैं, मन वो मैं हूँ, मतलब कि आत्मा हूँ मैं अजर अमर अविकारी और एक रस। तो ये आत्मा के बारे में अगर हम फोकस करेंगे, अपना फोकस हम आत्मा के ऊपर करेंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप हम आत्मा है, मन तो एक जड़ पदार्थ है जो हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो जाना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये सहायक होगा। सेल्फ सजेशन जो बोलते हैं, तो ये बहुत ही सहायक होगा इस तरह का, रोज इसको रिपीट करना चाहिए। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें? एक तो मन है और दूसरा मानसिक स्वास्थ्य है। तो ये लिखा है गुरुदेव ने, जिस प्रकार वैद्य औषधि देने के पूर्व रोग का पता लगाने के लिए रोगी की नाड़ी की परीक्षा करता है, उसी प्रकार हमें मानसिक रोगों का पता लगाने के लिए आत्म परीक्षण करना चाहिए। खुद को ही अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले आत्म परीक्षण करना चाहिए, तदुपरांत उचित संकेत रूपी औषधि लेनी पड़ेगी। जैसे यदि कोई मनुष्य रोगी है तो उसे यह आत्मसंकेत लेना उचित होगा कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण निरोगी हूँ, मेरे मन एवं शरीर का प्रत्येक अवयव पूर्ण स्वस्थ एवं शांतिशील है और सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। जैसे लोग कहते हैं स्ट्रेस में है तो बार बार वो बोलना होता है कि नहीं, मैं सभी प्रकार के तनाव से मुक्त हूँ, मेरे अंदर कोई तनाव नहीं है, ऐसा बोलने से भी असर पड़ जाता है, तनाव कम हो जाता है। मन की चंचलता पर अधिकार प्राप्त करने के लिए यह आत्मसंकेत उचित हो सकता है, मैं मन का गुलाम नहीं, मन मेरा गुलाम है, अतः इसे मेरी आज्ञा को मानना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि मन एवं शरीर के जिस विभाग को, जिस विकार को ठीक करना है, उसके विरुद्धात्मक आत्म संकेतों का लगातार इतना मनन करना चाहिए कि उसे यह आभास होने लगे कि जैसा वह आत्म संकेतों द्वारा कह रहा है वैसा ही वास्तव में वह है। चिंता हो रही है तो उससे उल्टा कि नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं,
तनाव हो रहा है, मुझे कोई तनाव नहीं, डिप्रेशन हो रहा है, उदासीनता है, तो इस तरह का कि नहीं मुझे कोई उदासीनता, इस तरह का बार 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 उससे विरुद्ध सोचने से वो मन को लगता है कि हाँ अभी यहाँ अपनी दाल कुछ गलेगी नहीं, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। ये एक ट्रीटमेंट का तरीका है। दूसरा तो जो बता ही दिया था पहले से ही गुरुदेव ने कि सात्विकता बढ़ानी, सात्विक कर्म करने हैं, यज्ञ है, योग है, इस तरह के सात्विक कर्म करने से भी मन के जो विकार है वो कम होने लगते हैं, अशुद्धि कम होने लगती है और प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। यह बात केवल गलती थी नहीं है प्रत्युत, हमें इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे। संसार के प्राय सभी महापुरुषों ने मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करके ही अपने जीवन का निर्माण किया था। मानसिक स्वास्थ्य को हम इग्नोर करके आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। मनोविकारों पर विजय प्राप्त करना एक अति दुष्कर कार्य है, परंतु सफलता पर विजेता को सर्वत्र ही सुख का सागर लहराता हुआ दृष्टिकोण होता है। जिस व्यक्ति के मन में मन अपना काबू में है, उस व्यक्ति को जो सुख मिलेगा वो मन के भटकने के कारण जो सुख मिलता है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा होता है ना। कुछ भोग भोगा, कुछ खाया तो जो मजा आया, कुछ ऐसा कुछ दुष्कर्म किया उसमें मजा आया, उससे ज्यादा उसके कंट्रोल पे मजा आता है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय है कि दैनिक जीवन के छोटे से छोटे कार्य, जैसे देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, जीवन के जो छोटे छोटे कार्य हैं जैसे कपड़े पहनना, पुस्तकें यथास्थान रखना, वार्तालाप करना इत्यादि में भी सावधानी प्रदर्शित करें, आसपास की चीजों को व्यवस्थित रखें, स्वच्छ रखें। कल उसकी चर्चा हुई होगी। आज हमारे सम्मुख सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की गहन समस्याएं उपस्थित है, जिन्हें उत्तम और स्वस्थ विचार ही सुलझा सकते हैं। उसको सुलझाने का एक ही तरीका है, स्वस्थ मन। मन अगर हमारा स्वस्थ होगा, विचार हमारे स्वस्थ होंगे, तो ही हम समस्याओं को सुलझा पाएंगे, वरना समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा महत्व है। योग वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो उच्च स्थिति का मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने का ही तरीका है। चित्त वृत्ति निरोध जिसको हम बोलते हैं, तो वो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा फोकस है। अब प्रश्न, एक दो प्रश्न है, मन कैसे बनता है? चलो कोई जवाब दो, मन बनता कैसे? स्टूडेंट्स सर जैसा अन्न वैसा मन। जैसा खाएं वैसा हो मन, बहुत बढ़िया। हाँ सर बोलो। मन अन्न से बनता है, अन्नमय अन्नमयम ही सौम्य मन। पर यहाँ खास देने लायक है, आदि शंकराचार्य ने उसको स्पष्ट किया है, अन्न दो प्रकार का है, एक शरीर का अन्न है और एक इंद्रियों का भी अन्न होता है। जो हम मुख से लेते हैं वो शरीर का अन्न है, और जिन विषयों को हम इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं वो इंद्रियों का अन्न है। आप सात्विक खाना तो खाओगे लेकिन गंदी चीजें देखोगे, गंदा सुनोगे, तो वो भी आहार है इंद्रियों का, वो भी मन को खराब करेगा। तो आहार का मतलब, अन्न का मतलब केवल हमारा जो हम मुख से लेते हैं वही अन्न नहीं है, वो अन्न भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर आप सात्विक खाना खाओगे तो मन सात्विक बनने का आसान हो जाएगा, लेकिन खाना भी आपका खराब है, राजसिक या तामसिक है, और प्लस आपकी इंद्रियां भी इस तरह का दूषित विषयों को ले रही है, तो उसके कारण मन आपका बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मृत्यु के बाद शरीर के नष्ट हो जाने पर मन की क्या गति होती है, मतलब मन का क्या होता है, मन नष्ट होता है या क्या होता है, बताओ। चलो बताओ सर, जब बताओ। आत्मा ही नहीं मरती है तो मन कैसे सर नष्ट होगा? सर तो शरीर ही नष्ट, स्वाभाविक शरीर ही नष्ट होगा। पर मन का क्या होगा? सर मन कहीं सूक्ष्म में चला जाता होगा। चला जाता होगा। अच्छा
सर मन शायद संस्कार बन जाते होंगे जैसे हम सोचते हैं वो सब, मतलब विचारों से संस्कार, फिर वो अगले जन्म में फिर उसी अनुसार हमें क्या बोलते शरीर भी मिलेगा और उसी अनुसार जो भी हमारा भाग्य हो वैसा हो। हाँ, आप दोनों लोग थोड़े से तो नजदीक हो ही, गलत नहीं है, पर उत्तर है मृत्यु के बाद शरीर के नष्ट हो जाने पर मन आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश करता है। एक सूक्ष्म शरीर निकलता है शरीर में से, जैसे आपको यहाँ एक तस्वीर दिख रही होगी, तो स्थूल शरीर है वो दिखता है, जबकि सूक्ष्म शरीर है वो जैसे यहाँ दिखाया गया है ऐसे इजीली दिखता नहीं है। मैंने कुछ ऐसी फोटोग्राफी हुई है जिसमें कहते हैं कि आत्मा दिखाई देती है, सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है, तो वो उसमें मन भी साथ में जाता है आत्मा के साथ। और ऐसा मैंने जैसा कहा ना कि ऐसा भी कुछ लोगों का दावा है कि जैसे ये चित्रगुप्त है वो अपने मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन जो हमारा फिजिकल स्वरूप है, मस्तिष्क है ब्रेन है, वो तो फिजिकल स्वरूप है ना। मन अलग है, मन दिखता नहीं है, लेकिन ब्रेन में क्या होता है कि फिजिकल कुछ रेखाएं खींची जाती है, बारकोड बन जाता है, फिर उस बारकोड की कॉपी अपने मन में सॉफ्ट कॉपी हो जाती है। तो जो आप पूरे जीवन में आपने जो कुछ भी अपने दिमाग में डाला हुआ है, आपके मस्तिष्क में भरा हुआ है, उसकी कॉपी होकर वो मन के साथ वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो दूसरे स्थूल शरीर में जाती है आत्मा के साथ साथ। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे छोटे से बच्चे होते हैं उनका, कुछ लोग कहते हैं कि ये उनके दादाजी जैसा है, तो क्या है कि दादाजी ही वापस आए हैं, या दादाजी के पिताजी है, परदादा है, वही वापस आए हैं, तो मन उनका वही है। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे आश्चर्य रूप से हमें लगता है कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो पहले से उनकी वृत्तियां होती है। ऐसा भी हो सकता है कोई अच्छी चीज भी कर लेते हैं, सिर्फ बुरा ही बुरा करते हैं ऐसा नहीं है, कुछ अच्छी चीज भी कर लेते हैं, सात्विक जो मनुष्य होते हैं अच्छी चीज कर लेते हैं। जैसे योग अपने गीता में लिखा है ना कि योग भ्रष्ट व्यक्ति की क्या गति होती है, ऐसा अर्जुन ने पूछा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो योग की उच्च स्थिति नहीं प्राप्त कर पाया, समाधि नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसकी जो प्रगति जितनी भी उसने करी होगी वो खत्म नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में आपको खत्म कर देना है, इसी जन्म में आपको मोक्ष प्राप्त कर लेना है, या योग आपका इसी जन्म में सज जाना चाहिए, समाधि लग जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। जहां तक भी आप प्रगति करोगे वो नष्ट नहीं होगी, और अगले जन्म में क्योंकि आप योग के मार्ग पर चले हो पर सफल नहीं हो पाए, तो अगले जन्म में आपका जन्म किसी ऐसे श्रीमंत के यहाँ, किसी ऐसे सदगृहस्थ के यहाँ होगा, तो वो आपकी प्रगति कुछ ही समय में वो सारा रिकॉल हो जाएगा, और कुछ ही समय में वहां से आगे बढ़ जाएगी प्रगति, वो सारी चीजें रिकॉल होने लग जाएगी। रिकॉल जरूर करना पड़ता है ना, पर वो रहता है सब कुछ, नष्ट नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि धन आप जो इकट्ठा करोगे वो तो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, पर जो ज्ञान प्राप्त करोगे वो नष्ट नहीं होगा, वो आपके साथ जाएगा। जो अच्छे अनुभव प्राप्त करोगे, जो अच्छी इमोशंस आपके मन में होगी वो सब नष्ट नहीं होगी, है ना। भक्ति भाव है वो नष्ट नहीं होगा। गुरुदेव के बारे में कहते हैं कि पहले वो रामकृष्ण परमहंस थे, उससे पहले वो कबीर थे, तो नष्ट नहीं हुए, आगे आगे वो उसी दिशा में बढ़ते रहे, है ना। तो इसी तरह हमारा भी यही है कि अगर हम प्रयास करें आध्यात्मिक रूप से, तो जितना हो पाएगा इस जीवन में उतनी ही प्रगति होगी। बहुत ज्यादा हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सारे स्टेप्स इसी जन्म में सब चढ़ जाएंगे, है ना। कोई वीडियो गेम होती है तो स्टेज बाय स्टेज हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इसी तरह से हो सकता है कि अभी तक हमने बहुत ज्यादा प्रगति नहीं करी है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा मन पर कंट्रोल नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे, बहुत समाज में इतना बड़ा हम परिवर्तन जैसे मोदी जी और जो संत लोग करते हैं, गुरुदेव ने किया, उतना स्तर पर हम भले ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितनी प्रगति होगी वो आगे, उससे आगे होगी फिर नेक्स्ट जन्म में। इसलिए कहते हैं कि प्रगति का ही प्रयास करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई अध्यात्म का जो मार्ग है वो तो अपने लिए नहीं है, क्योंकि हमें तो भाई पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना आसान नहीं, ऐसा करके हम छोड़ ही देते हैं उसको, क्योंकि
हमें लगता है कि नहीं ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो अगर नहीं करोगे तो इस जन्म में क्या आगे के जन्मों में भी नहीं होगा, पर प्रयत्न करोगे तो धीरे 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 प्रगति होती जाएगी, है ना। और धीरे धीरे ही प्रगति का सोचना चाहिए कि आज से ही हम एकदम पूरे संयमी हो जाए, आज से ही हम पूरी तरह से एकदम महान बन जाए, हमारी सारे दुर्गुण सब कुछ आज से ही खत्म हो जाए अचानक से, ऐसा नहीं पॉसिबल है। स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 प्रगति होती है, तो वही अपना मूल्यांकन हम करें कि हम कहाँ पर हैं और हमें अब आगे किस तरह से बढ़ना है, तो जरूर हम बढ़ सकते हैं। यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि मन नष्ट नहीं होता। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न ये भी होता है कि नया शरीर तो उनको मिलता है जिनका नया जन्म होता है, पर सपोज किसी का मोक्ष हो गया तो क्या होगा? तो वो भी आयुर्वेद में लिखा है कि जिस व्यक्ति, सर कुछ बोल रहे थे क्या बीच में? नो हाँ, तो जिस व्यक्ति का मोक्ष होता है मतलब कि इसने इतनी प्रगति कर ली है कि अब उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे शरीर की ही उसको जरूरत नहीं है, तो कहते हैं कि वहां पर आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, जब हम योग की बात करते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन, और मन है वो प्रकृति के साथ मिलन हो जाता है, तो किसी ने बताया ना कि वो कहीं इस तरह से हो जाता होगा, तो वो प्रकृति, प्रकृति और परमात्मा दो है, प्रकृति जड़ है, तो प्रकृति में वो विलीन हो जाता है मन, फिर उसको दूसरे शरीर की जरूरत नहीं है, उसकी आत्मा को भी दूसरे शरीर की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। सर एक तो प्रश्न है सर, जब सभी देवता जब इस पृथ्वी पर आने के लिए व्याकुल होते हैं, जैसे चाहते हैं कि पृथ्वी पर आए, तो फिर ये मनुष्य क्यों इस पृथ्वी पर छोड़कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए और प्रयास करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये है ना, मोक्ष का महत्व भी उस व्यक्ति को समझ में आता है जब उसने एक निश्चित प्रगति कर ली है। अभी क्या है भाई, हमें अगर लग रहा है कि भाई जीवन तो मस्त है, क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया जी रहे हैं, है ना, तो जनरली मनुष्य जीवन अच्छा ही दिया है भगवान ने, इसलिए वो भी कोई बुरा नहीं है कि भाई ये मनुष्य जीवन बुरा है इसलिए इसको हमें खत्म कर देना चाहिए और मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है वो हिंदू धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म तो कहता है कि ये जो अपना जीवन है वो दुखमय है ना, और हमारी जो सब कामनाएं उठती रहती है मन में वही दुख का मुख्य कारण है, इसलिए कामनाओं को खत्म करो, तो निर्वाण, निर्वाण शब्द यूज करते हैं, तो निर्वाण हो जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं हिंदू धर्म में कि जीवन तो अच्छा ही है, पर जिसने आत्मा और परमात्मा को समझ लिया है, अपने असली स्वरूप को समझ लिया है कि मेरा असली स्वरूप है तो मैं शरीर की मुझे जरूरत ही नहीं है, वो जो समझ लेता है, बोलना तो बहुत आसान है, पर उसको जिस चीज को वो अच्छे से समझ में आ जाता है उसे मोक्ष की जरूरत पड़ती है, उसे उसका मोक्ष अपने आप हो जाता है कि भाई ये अब इसको शरीर की जरूरत नहीं, इतने इतने कर्म कर लिए हैं कि वो अब शरीर के बिना भी कर्म करेंगे वो, तो उनको शरीर नहीं चाहिए। जबकि हमारी क्या है, कुछ न कुछ इच्छाएं, कुछ न कुछ आकांक्षाएं ऐसी रह जाती हैं कि जो शरीर के द्वारा ही पूरी होना पॉसिबल है, उसके लिए शरीर चाहिए, तो इसलिए हम दूसरा जन्म लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मोक्ष जैसी जो उच्च चीजें हैं जिसको समझना आसान नहीं है, वो भी मुझे ये लगता है कि एक स्थिति आती है तब उसका महत्व समझ में आता है। अभी तो हमें, मुझे लगता है कि यही सोचना चाहिए कि हमारी प्रगति होती रहे, आत्मिक प्रगति होती रहे, हम है वो एकदम जो प्रवृत्त मानस वाला जो कहा गया है ना गुरुदेव ने, सिर्फ वहां तक सीमित ना रहे, केवल भोग भोग तक सीमित ना रहे, कुछ ऊपर उठे, है ना। तो अगर वो सोचते हैं तो आपको मोक्ष के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। और यस सर, कोई क्वेश्चन? तो ये मन का साधारण सा सिंपल सा एक स्वरूप बताया गया, मानसिक स्वास्थ्य का एक साधारण सा कॉन्सेप्ट बताया गया है, और क्योंकि ये छोटा सा एक टॉपिक है इसके ऊपर तो बहुत कुछ भी बताया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों के लिए इतना ही काफी है, इसको भी अच्छे से अगर समझ लो तो दिक्कत नहीं होगी और अच्छा ही लगेगा। जिनको भी कभी भी कोई प्रश्न हो तो आप आगे भी पूछ सकते हो। तो अब
रिकॉर्डिंग स्टॉप करके हम अटेंडेंस लेते हैं।